हमारी वीडियो की क्वालिटी के साथ साथ हमारी ऑडियो की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी ऑडियो को इम्प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो एडिटिंग। अभी आप लोग जो ऑडियो सुन रहे हो ये एक माइक्रोफोन के थ्रू आ रही है जो एक 30,000 रुपीज़ का माइक है। वहीं अगर मैं लाऊँ अपना फ़ोन, आप इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनो और आपको कितना फर्क नजर आ रहा है कंपेयर टू दिस माइक्रोफोन जिससे अभी आप ऑडियो सुन रहे थे। इसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस है ये आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, स्मार्टफोन की जो ऑडियो क्वालिटी आपको आ रही है ये एडिटेड ऑडियो है, और जो इसकी ऑडियो आ रही है ये डायरेक्ट विदाउट एडिटिंग है। फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, अगर आपके पास एक सस्ता माइक्रोफोन है या फिर अपने आप फोन से ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, आपकी ऑडियो क्वालिटी बेहतर हो सकती है ऑडियो एडिटिंग की हेल्प से। अब इसमें मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि आप अपनी ऑडियो को कैसे कुछ ऐसा कर सकते हो या फिर ऐसा कर सकते हो। हम इसमें सिंपल समझने वाले हैं कैसे आप अपनी ऑडियो को, वोकल्स को इम्प्रूव कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर, ताकि सुनने वाले को और ज़्यादा बेहतर लगे, क्रिस्प लगे, क्लियर लगे और फील आए आपकी आवाज़ सुनने में, हाँ भाई मज़ा आ रहा है। और ये सारी की सारी एडिटिंग हम लोग एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करने वाले हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए। हो सकता है आप लोग भी यूज़ करते होंगे, उसका नाम है Adobe Premiere Pro। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों ऑडियो को सुनते हैं किसकी बेटर है विदाउट एडिटिंग। पहले हम एक बार सुनते हैं इस वाले माइक्रोफोन की, जो रोड का महंगा रोड का माइक्रोफोन है, 30,000 का माइक्रोफोन। इसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस है ये आपको पता लग जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ हमारे फ़ोन की ऑडियो सुनते हैं, क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस है ये आपको पता लग जाएगा। जो हमारे फोन की ऑडियो वो थोड़ी सी ज्यादा एको उसमें ज्यादा है, आई थिंक, ठीक है, उसमें थोड़ा आवाज गूंज ज्यादा रही है, उसको भी हमें कम करना है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा यहीं पर आता है, जो भी हमारा एको है, जो हमारा रिवर्ब है उसको कम करना, और जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको भी हटाना, क्लीन अप द ऑडियो। इसके लिए स्पेशली दो इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा डी नॉइज, अगर आपको लग रहा है सुन के कि नॉइज है। सेकंड चीज, अगर आपको लग रहा है कि आवाज गूंज रही है तो डी रिवर्ब, ठीक है। यहाँ इफेक्ट्स में आऊंगा एक बार, मैं इफेक्ट्स के अंदर मैं सर्च करूंगा डी रिवर्ब, ठीक है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस है अभी हम लोग देख सकते हैं, कितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ गया है सिर्फ एक फिल्टर हमारे एक डी रिवर्ब से। थोड़ी आवाज गूंज रही थी उसको कम कर दिया, मैं इसको लाइट मोड पे डालता हूँ क्योंकि वो हमारी ऑडियो की क्वालिटी को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमारा डी रिवर्ब हो गया, अगर आपकी एको है तभी लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। अब हमने ऑडियो को ऑलमोस्ट क्लीन अप कर दिया, हमारे इफेक्ट अप्लाई कर दिया, हमारी नेक्स्ट चीज आती है सेकंड चीज, सिर्फ दो स्टेप का है हमारी, ये पार्ट आता है मास्टरिंग, कि अपने को क्या करना है, इस पे ऐसे इफेक्ट्स डालने जिनसे हमारी ऑडियो, हमारी वॉइस पॉप हो और क्रिस्पी हो और ज्यादा क्लियर हो। सबसे पहला इफेक्ट बता दूं मैं आपको, पैरामेट्रिक इक्वलाइजर। तो पैरामेट्रिक इक्वलाइजर के अंदर सिंपल सी हमें चीज करनी है, प्रीसेट्स ऑलरेडी दे रखे, फिर भी मैं स्टिल आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ताकि आपको बेटर पता रहे। हमारे लोज होते हैं, मिड होते हैं, हमारे हाइज होते हैं। लोज हमारे हो गए 0 हर्ट्ज से लेके 500 हर्ट्ज, 500 से 2000 हमारे मिड हो गए, 2000 से ऊपर हमारे ये हाइज हो गए, जो हमारा हाई पार्ट है। लोज को अगर हम ऊपर बढ़ाते हैं तो हमारा बेस आता है आवाज के अंदर, वैसे ही अगर हम हाई को ऊपर बढ़ाते हैं तो थोड़ा क्रिस्पीनेस, जो चुभने हल्के लेकिन ज्यादा बढ़ा दोगे तो चुभने वाली आवाज आएगी, थोड़ा क्रिस्पीनेस हमारी हाई से बढ़ेगी। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, प्रीसेट्स के अंदर आके आपको वोकल इनहेंसर है इस पे जाना है और ये सिंपली आपके लिए वो काम कर देगा। अभी हम सुनते हैं जरा इसे, आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, स्मार्टफोन की जो ऑडियो क्वालिटी आपको आ रही है ये एडिटेड ऑडियो है, और जो इसकी ऑडियो आप सुन रहे होंगे थोड़ी क्रिस्पीनेस आ चुकी है हमारी ऑडियो के अंदर, थोड़ा और ज्यादा क्रिस्प हो चुका है और बेसी, थोड़ा सा बेसी हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग जब करते हैं सेकंड इफेक्ट, मल्टी बैंड कंप्रेसर, ड्रैग एंड ड्रॉप करा यहाँ पर, इफेक्ट कंट्रोल्स में गए, इसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया मल्टी बैंड कंप्रेसर, एडिट पे गए, प्रीसेट्स पे जाना है अपने को सिंपल। सबसे पहला ऑप्शन कि आपने जो मैंने बोला था लोज से क्या होता है कि हमारे बेसी हो जाती है आवाज, आपने इनहेंस कर दिया थोड़ा सा लोज को, आपने थोड़ा सा और इनहेंस कर दिया, ये कर दिया हमने, वो पता लग जाएगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, स्मार्टफोन की जो ऑडियो क्वालिटी आपको आ रही है ये एडिटेड ऑडियो है, और जो इसकी ऑडियो आ रही है ये डायरेक्ट, तो डिफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा है, लोज हमारे जब ऊपर बढ़ेंगे तो आवाज में और बेस आएगा, तो हमने यहाँ से लोज को थोड़ा सा और बढ़ा दिया विद द हेल्प ऑफ मल्टी बैंड कंप्रेसर। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं भाई मुझको थोड़ी अलग टाइप की ऑडियो चाहिए, तो एक इफेक्ट और है इसके अंदर जो मुझे काफी अच्छा लगा, वो है ब्रॉडकास्ट। प्ले करके देखते हैं ब्रॉडकास्ट में कैसा लगता है, में कितना डिफरेंस है ये आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, स्मार्टफोन की जो ऑडियो क्वालिटी आपको आ रही है ये एडिटेड ऑडियो है, और जो इसकी ऑडियो आ रही है ये डायरेक्ट, तो ये भी काफी अच्छा प्रीसेट है। लेकिन मुझे पर्टिकुलरली थोड़ा इस टाइप का साउंड पसंद नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा क्रिस्प होता है, इसमें हाई थोड़े और ऊपर चले जाते हैं, हाई हमारे और ऊपर हो जाते हैं, तो उससे क्रिस्पीनेस थोड़ी चुभने वाली आवाज होती है। तो आपकी मर्जी, आप इन दोनों में से कोई एक प्रीसेट यूज कर सकते हो, मैं फिलहाल के लिए इनहेंस लोज को यूज कर लेता हूँ।
अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट इफेक्ट डालते हैं अपना, फिर उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर देखेंगे कि एडिटिंग के बाद कितना बड़ा डिफरेंस है और एडिटिंग से पहले कैसी थी हमारी ऑडियो। लास्ट इफेक्ट हमारा क्या आता है, मैं आपको जैसे बताता हूँ, ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो पे कोई एक पॉइंट है जहां पर आपकी आवाज तेज हो रखी है, फिर एक पॉइंट पे हल्की हो रखी है, इस पॉइंट को सुनो एक बार आप, ये आपको पता लग जाएगा। लेकिन वो पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, वो आवाज बहुत ज्यादा तेज हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो अपने क्या करना है, सिंपल से इफेक्ट्स में जाने, इफेक्ट्स पे जाके अपने आपको सर्च करना है डायनामिक्स। ये आपकी ऑडियो पे एक लिमिट लगा देगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पीक नहीं करेगी आपकी ऑडियो, ठीक है। ये डायनामिक्स के अंदर एडिट में गए, एडिट के अंदर जाके आपने लिमिटर है, ये लिमिट को चेक किया लिमिटर को, और यहाँ पर आपको लिमिटर कितने पे रखना है, माइनस, मैं पर्सनली रखता हूँ जो -6 पे, कर दिया हमने डन, ये आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैं कोई भी पॉइंट सुनोगे -6 से ऊपर हमारी ऑडियो जाएगी नहीं, मेरी आवाज जाएगी नहीं, मतलब चुभेगी नहीं, हो किसी कान पे कि एक जगह बहुत तेज हो गई, एक जगह बहुत लो हो रखी है। तो डायनामिक्स आप लोग इस पॉइंट पे यूज कर सकते हो। हमने सारे इफेक्ट्स अप्लाई कर चुके हैं, सिर्फ 4 इफेक्ट्स आपको अप्लाई करने हैं और आपकी ऑडियो तैयार। वैसे 3 करने हैं, डी रिवर्ब और डी नॉइज आपका ऑप्शनल है, अगर आप यूज करना चाहते हो, अगर आपकी ऑडियो में रिवर्ब है या फिर आपकी ऑडियो में नॉइज है तब आप लोग यूज करो। अब हम लोग लास्ट फाइनल चीज क्या करते हैं, हमने जितने भी एडिट्स मारे बिफोर एंड आफ्टर सुन के देखते हैं कितना फर्क आया भाई। ये हमारा बिफोर की क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस है, ये आपको पता लग जाएगा। मैं बता दूं आपको, स्मार्टफोन की जो ऑडियो क्वालिटी आपको आ रही है ये एडिटेड ऑडियो है, और जो इसकी, तो भाई ये अपना डिफरेंस है ओवरऑल। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं हमारे इस माइक्रोफोन की ऑडियो के साथ कि कितना डिफरेंस है, क्या लेवल की है ये, टक्कर दे सकती है। अब आप लोग ये चीज आप लोग कमेंट में बताना सुनने के बाद। माइक की ऑडियो सुनते हैं, रोड माइक्रोफोन की ऑडियो क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस है, ये आपको पता। अब हम लोग इसकी ऑडियो सुनते हैं, पता लग जाएगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, स्मार्टफोन की जो ऑडियो क्वालिटी आपको आ रही है ये एडिटेड ऑडियो है। तो ये डिफरेंस हमने पूरा ले आया है सिर्फ ऑडियो एडिटिंग की हेल्प से, वो भी सिर्फ 4 हमने इफेक्ट्स यूज करें और उसकी हेल्प से हमारी फोन की ऑडियो इतनी बेटर हो चुकी है कि ये इजीली मैं अपनी वीडियो में लगा सकता हूँ, इजीली मैं किसी भी वीडियो में यूज कर सकता हूँ। ऐसा ही लगेगा मुझे कि भाई मुझे अलग से माइक लगाना है, अलग से माइक खरीदना है कोई महंगा सा, तो आपके पास जो भी स्मार्टफोन है, जो भी माइक है, चाहे वो 1000 रुपए का माइक हो, चाहे वो 2000 का, चाहे 10000 का माइक हो, ऑडियो एडिटिंग से उसकी क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। बाकी अगर हम एडिटिंग के अलावा कुछ और चीजें जानना चाहते हो, कैसे अपनी ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त उस टाइम पे आपको क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए, 5 चीजें मैंने शेयर करी अपनी वीडियो में, आप उसको आई बटन के ऊपर वॉच कर सकते हो, 5 टिप्स to improve your audio quality for YouTube videos. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।